अशोक डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। अशोक डायग्नोस्टिक सेंटर, शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट मेडिटिव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और आज हम आप पहुंचे हैं काजला धाम मंदिर में, जो कि हिसार से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐतिहासिक विशेषताओं के चलते क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना एक अहम स्थान रखता है। 1984 में ब्रह्मलीन पुजारी गोपीराम जोशी एवं देवकी नंदन जोशी ने मंदिर निर्माण की शुरुआत की और ध्वजा फहराई। जन सहयोग से यहाँ पे निर्माण का कार्य शुरू हुआ। दरबार की मूर्ति स्थापना में प्राण प्रतिष्ठा 11 अप्रैल 1988 को हुई। जो यहाँ पे काफी समय से सेवा में हैं, पंडित जी से बात करेंगे और कुछ जानकारी हम हासिल करेंगे। श्री राम भक्त हनुमान जी के बारे में कुछ हम जानेंगे। आओ हम आपको दर्शन करवाते हैं काजला धाम के। इस मंदिर की स्थापना केवल एक ध्वजा लगाने से हुई थी, जो आज एक विशाल रूप ले चुका है। दूर दूर से भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। 1984 में ब्रह्मलीन पुजारी गोपीराम जोशी एवं देवकी नंदन जोशी ने मंदिर निर्माण की शुरुआत की, ध्वजा फहराई। तो देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ है। आज क्योंकि पूर्णमासी है तो सभी श्रद्धालु यहाँ पर मत्था टेकने आए हैं, अपनी मन्नतों को पूरा करवाने के लिए अर्जी लगवाने आए हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ के किसी श्रद्धालु से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुक्रिया। प्रेम कुमार गोयल। आप कहाँ से आए? मंडी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा। तो सर आपको कितना समय हो गया यहाँ? मेरे को जब से बाबा की दशा आई थी उसी टाइम से आ रहा हूँ, लगभग 35 इयर्स। तो आपको यहाँ पे मतलब किस चीज को लेके विश्वास है कि भी हाँ मेरी आज यहाँ पे कामना पूरी होती है, या किस तरह का कोई विश्वास आप हमारे साथ शेयर? देखिए, विश्वास तो आत्मा का विश्वास होता है सबसे पहले। अगर आत्मा का शुद्धिकरण सही हो तो विश्वास ऑटोमेटिक हो जाता है। सबसे पहले हमारे को बालाजी महाराज जी हमारे इष्ट देव हैं और उन्हीं के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, उन्हीं की कृपा से सब काम हो रहा है। जैसे कि मुझे पता है कि लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो जोत जलती है वो मेहंदीपुर से आई थी, क्या वो बात सच है? वो जोत ऐसे है, मेहंदीपुर से भी है और रतनगढ़ धाम है राजस्थान के अंदर, जिला चूरू पड़ता है, वहाँ की जोत है और काजला की भी शक्ति है, सालासर बालाजी महाराज की भी शक्ति है और खुद आप जैसे भक्तों की वो जो है ना मान लो भावना जो अगर सही होना तो शक्ति पुजारी बनाता है, पुजारी जो है ना मंदिर को पुजाता है। वैसे तो कहीं भी मूर्ति रख के रख लीजिए वो नहीं होता, वहाँ जो पुजारी जी है बहुत अच्छे हैं। हम जो इनके दादाजी थे पुजारी जी के, उनके टाइम से आने लग रहे हैं। उनके दादाजी को देखा हमने, पिताजी को भी हमने देखा, चाचा ताऊ उनको भी हमने देखा और अभी जो है ना इन्हीं की एक ब्रांच चौधरा वास्ता में रत्नगढ़ में भी है और कलकत्ता है 400 का हनुमान मंदिर, वहाँ भी इनकी है। बाकी बाबा की तो सभी जगह कृपा है। सर आप यहाँ का मुझे एरिया बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ का जैसे हम नापे इस एरिया को तो कितना? तो मुझे नॉलेज नहीं, फिर भी कम से कम मान लो आप बाबा के दरबार में अंदाजा से मोटा मोटी 5-6 एकड़ जमीन हो। 5-6 एकड़ में है। तो यहाँ की कोई एक विशेषता आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? कैसी विशेषता बताइए? कोई भी जो आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे आके ये विशेष लगता है कुछ ऐसा? मुझको आके सबसे पहले ये जो भाई साहब है पहली बार आए मेरे साथ में, जो बाबा का दरबार है मेन दरबार, जो मूर्ति है बालाजी की झंडे वाले बाबा की, आपका जैसी मति होगी ना वैसे बाबा आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका टेढ़ा मुंह नजर आए, आपका ध्यान ऐसे सोच रहे बाबा नहीं है तो आपसे बाबा टेढ़ा ही रहेगा। आपका अगर ध्यान बाबा विश्वास बाबा सीधा आपकी तरफ वो आकृति सामने आएगी बिल्कुल आपके, और यहाँ जो आता है उसके सबके सब काम बनते हैं बाबा के जो दरबार में आते हैं। लेकिन यहाँ नियम विधि सबसे पहले तो ये है, लोग कुछ लोग करते नहीं है, जैसे बेल्ट है पेंट के अंदर, बटुआ है, प्याज और लहसुन चमड़े की चीज़ है, प्याज लहसुन तो जरूरी वर्जित है यहाँ बिल्कुल। बाकी देखो जैसी भावना जैसी बंदे तेरी भावना जैसी प्रभु मूर्त ने देखी वैसी, बाकी देखो जो सियाराम जी भगवान है उनकी कृपा से सब काम यहाँ हो रहा है। धन्यवाद सर हमें बताने के लिए।
मंदिर में श्री झंडे वाले बाबा दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 31 जनवरी 1990 को हुई। इसके अलावा इस मंदिर के प्रांगण में श्री गणेश, विष्णु, लक्ष्मी, माँ दुर्गा, शिव परिवार, राधा कृष्ण, पंचमुखी, हनुमान व अंजनी माता के दरबारों की मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा 11 अप्रैल 1998 को हुई। मंदिर के प्रमुख पुजारी अंजनी कुमार जोशी ने बताया कि पूर्णिमा के दिन राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ था, इसलिए पूर्णिमा के दिन हजारों श्रद्धालु यहां माथा टेकने आते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के भोजन प्रसाद के लिए मां अन्नपूर्णा भवन बना हुआ है। इस भवन का शुभारंभ ब्रह्मलीन पुजारी रमेश जोशी के देखरेख में 3 अप्रैल 2007 को हुआ। भक्त अपनी आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक तथा शारीरिक परेशानियों से छुटकारा पाने हेतु प्रचलन के अनुसार 2.25 रुपए की अरदास लगाते हैं और अपने दुखों से छुटकारा पाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ के संचालक अंजनी कुमार जोशी जी से, जो कि हमें यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देंगे। नमस्कार पंडित जी। राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपका धन्यवाद। पंडित जी, ये मेन हमारा मोटिव है कि ये वीडियो हम उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको शायद यहाँ के बारे में नहीं पता, या वो जानते हैं यहाँ पे मंदिर है बट इसकी मान्यता उनको नहीं पता है, तो ये वीडियो हम उनके लिए शूट कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि मंदिर को बने हुए कितना टाइम हो गया, इसकी स्थापना कैसे हुई? ये 1984 में यहाँ ध्वजा की स्थापना हुई थी। हमारे पहले यहाँ से गाँव से 2 जन रतनगढ़ गए थे, तो उनके मतलब भौतिक मतलब दिक्कत थी, तो उनको नियम हमारे दादाजी ने बताया, वो नियम करने से वो ठीक हुए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको यहाँ ज़मीन देंगे, आप यहाँ आइए, यहाँ भी वैसे ही बाबा की कृपा हो, दरबार लगे। तो 1984 में यहाँ ध्वजा लगी, तो उस समय ध्वजा के नीचे की माटी खा खा के लोग ठीक हो जाते थे। तो तब से ही बाबा ने बहुत कृपा करी है, संकट मोचन दरबार है, और जैसे ये बाबा की कृपा हुई, आगे आगे काम बढ़ता गया। 1990 में झंडे वाले दरबार की स्थापना हुई, 1998 में ऊपर स्थापना हुई। तो जब से दरबार लगा तब से ही जितने भी भक्तजन बाबा के चरणों में अर्जी लगती है यहाँ, तो 2.25 रुपए की अर्जी लगाने से कोई भी मनोकामना होती है वो बाबा पूरी करते हैं, सभी तापों का उपचार करते हैं। और दूसरा ये कि जब से यहाँ ध्वजा लगी तब से यहाँ निःशुल्क भंडारा चल रहा है, और जो भी कोई भक्तजन आता है यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगी, ऊपर जैसे हम दर्शन करने गए, हमने पंचमुखी हनुमान देखे, तो उनकी उनको वो रूप कैसे मिला, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं हमें? उनको वो रूप तब मिला था जब वो संजीवन लेने गए थे, तो तब अहिरावण जो है राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर पाताल में चला गया था, तो वो अपने कुलदेव की पूजा कर रहा था, तो उस समय हनुमान जी ने उस कुलदेव की जगह ये रूप धारण कर लिया था। तो तब हनुमान जी ने ये रूप, तब उस समय पंचमुखी 5 रूप इसमें हैं बालाजी के, तब उन्होंने ये रूप धारण किया और राम जी और लक्ष्मण जी को उस संकट से उबारा, तो संकट मोचन रूप इसको एक तरह से कहा जाता है। जैसे कि हम जान रहे हैं आज पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी की क्या मान्यता है, क्यों लोग इतने श्रद्धालु इतनी भारी संख्या में आते हैं यहाँ पर? पूर्णमासी का ये है जी, हनुमान जी का जन्म पूर्णमासी को हुआ था, चैत्र सुदी मंगलवार की पूर्णमासी थी, तो पूर्णमासी को एक शुभ दिन बाबा की माना जाता है, तो सभी भक्तजन यहाँ पूर्णमासी को मंगलवार को दर्शन करने आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि हमने पंडित जी ये भी सुना है कि यहाँ पर जो जोत है वो मेहंदीपुर से आई है, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेहंदीपुर से जोत आई है। मेहंदीपुर से मतलब सबसे पहले हमारे परदादा जी के पिताजी, उनको आदेश हुआ था मेहंदीपुर में, तो वो वहाँ से जोत लेकर रतनगढ़ आए थे, तो रतनगढ़ एक दरबार है, फिर उसके बाद यहाँ दरबार बना, फिर चौधरी वास हिसार यहाँ से, फिर एक कलकत्ता में भी हमारे ताऊ जी रहते हैं, तो मतलब दरबार की शाखा ऐसे फैली, रतनगढ़ से फैली। आपसे पहले पंडित जी आपके पिताजी यहाँ पर सेवा में थे? बिल्कुल, मेरे पिताजी यहाँ सेवा में थे, और 2015 में अकस्मात उनका देहांत हो गया। उनसे पहले हमारे दादाजी रहते थे, लेकिन दादाजी उनको संभला करके चले गए। तो पंडित जी, आपको यहाँ सेवा करते हुए कितना समय हो गया? मेरे को तो बचपन से बाबा की सेवा में ही है, वैसे जब से जन्म हुआ यहाँ सेवा ही करते,
तो मतलब देख लीजिए आज मैं 21 साल का हो गया हूँ। तो पंडित जी, आप हमारे उन दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो शायद भगवान की तरफ ध्यान नहीं करते हैं? मैसेज तो यही है कि जी मान्यता होती है दिल से होती है, और मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो मानता है मन से, जो कुछ दिखता है तभी लोग आते, नहीं तो कहीं आते नहीं। कुछ ना कुछ देके ही भेजता है बाबा, जब भी आज इतनी भीड़ आती है। नहीं तो जो इंसानी शरीर है, जो हमारा स्वभाव है कि बिना मतलब के हमारे पैर कहीं जाते नहीं है, तो कुछ ना कुछ बाबा देता ही है, कुछ ना कुछ कार्य सिद्ध करता ही है जब भी लोग आते हैं। जैसा कि पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, जिन्हें बाबा बुलाते हैं वही लोग यहाँ पर आ पाते हैं। तो शायद आज हम अपने आप को बहुत खुश नसीब मान रहे हैं कि हम यहाँ पर आए और हमारी बात भी हुई और हमने दर्शन भी बहुत अच्छे दर्शन किए। और इसी के साथ आप स्ट्रीट मेरे टीवी के साथ बने रहिए, ऐसी ही नई नई रोचक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जैसे कि आज हमने आपको दर्शन करवाए हैं और आगे भी हम ऐसे ही आपको नई नई चीज़ों से रूबरू करवाते रहेंगे और दर्शन करवाते रहेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कोई भी नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बने रहिए स्ट्रीट मेरे टीवी के साथ। नमस्कार।